गुड इवनिंग सभी दोस्तों का स्वागत है। और मैं अभी हुई हूँ पुष्कर में, और पुष्कर में भाई सबसे दूर और एक ऊंची सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक जो टेंट लगा हुआ है ये है मंडावा सफारी एंड द किसान स्टड फार्म, जो मंडावा सफारी झुंझुनू मंडावा में है, और उनका ये जो टेंट है लगा हुआ है। और यहाँ पे भाई आपको कुछ अलग ही है जो देखने को मिलेगा, यहाँ के घोड़े, यहाँ का टेंट, यहाँ की सारी व्यवस्थाएँ है, उसको देखकर आप थोड़ा अचंभित हो जाएंगे। बीच में देखिए शुरुआत में ये जो झंडा लगाया गया है, और हर बार की तरह यहाँ पे जो हर बार की तरह एक स्पेशल जो टेंट है वो लगाए जाते हैं। और ये इनके जो डेडिकेटर है वो है जो अपने घोड़े को है जो अभी राइड करके लेकर आए हैं। अपन इस घोड़े की डिटेल भी है जो अभी जानते हैं थोड़ी देर में। खमा गणी हुकुम, जय माता दी की साह। क्या हो रहा है मंगल सिंह? बस घोड़ियों को थोड़ा वॉक करा के ला रहे हैं। अच्छा, शाम के टाइम होगी और वॉक करा के ला रहे हो, है ना? ये अपनी लक्ष्मी है। लक्ष्मी ये सबसे बेस्ट घोड़ी है मेरे ख्याल से, है ना? ये मंडावा सफारी की सबसे बेस्ट और अच्छी हाइट वाली घोड़ी बोल सकते हैं इसको, एक अच्छी पेडिग्री के साथ में। यहाँ पे ये घोड़ी है जो अभी मेले में राइड करके आई है, पुष्कर मेला जो चल रहा है उसमें, और बहुत ही अच्छी इसको घोड़ी है। इसकी पेडिग्री के बारे में अपन है जो पूछते हैं मदर फादर और साइड के हिसाब से। इसका सबसे पहले इसका नाम है जो आप मेरे को बता दीजिए। इसका नाम है सबसे पहले लक्ष्मी। लक्ष्मी, ठीक है। और इसका जो साइड है वो कौन है? अच्छा, आपके स्टड पे एक घोड़ा था, वो आपने सेल आउट कर दिया उस घोड़े की है। और इसकी जो मदर है वो? इसकी मदर वहाँ पे जो राइडिंग में चल रही है। अच्छा, लेके हैं दामिनी। अच्छा, दामिनी करके इसकी डैम है ना? अच्छा, क्या खूबी है इसकी घोड़ी, इस घोड़ी की? क्योंकि काफी खास है ये घोड़ी मेरे ख्याल से आपके आपके मंडावा में, आपके वहाँ पे काफी सबसे खास ही लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और काफी हैवी बोन की घोड़ी भी है ये। इसका जो चेस्ट है वो काफी मजबूत है, और इसके सूम है जो वो भी काफी अच्छे हैं भाई, बहुत ही जोरदार। दोस्तों ये घोड़ी आप देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो घोड़ी भाई देख रहे हो, वास्तव में मैं नहीं बोल रहा, ये काफी अच्छी घोड़ी है, और इसकी काफ़ी डिमांड भी है मार्केट में, काफ़ी लोगों ने जो मांगी भी है। लेकिन अनुज बना का जो इंटरेस्ट है वो इस घोड़ी पर टिका हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छी है, और ऐसी घोड़िया आपको पता ही है कि ऐसी घोड़िया जो मार्केट में नहीं मिल पाती है। बाकी एक अच्छी घोड़ी है ये। शुक्रिया, थैंक यू। एक ये और घोड़ी है, इसको भी आप राइड करके लाए हो अभी? नहीं, ये तो स्टेबल से पुरानी घोड़ी है जो चंदा चंदा नाम की। हाँ, इसकी अभी 34 साल उम्र हो चुकी है। अच्छा, क्या बात है यार, घुमाने के लिए लेके आ गए। अच्छा, इस पे राइडिंग वाइडिंग नहीं करते अभी? राइडिंग सब काफी एज की हो गई, मतलब 34 ब्रीडिंग से राइडिंग से रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ब्रीडिंग और राइडिंग से दोनों से रिजेक्ट है। बाकी ऐसे घुमाने के लिए इसको पुरानी अपनी यादें ताजा करने के लिए लेके आए हो? 15-18 ओके, ये इसी की लाइन की है। अच्छा, ये इसकी बेटी उधर है दामिनी, और इसकी बेटी लक्ष्मी। आपके यहाँ तो मुझे जहाँ तक पता है एक ही पेडिग्री पे काम होता है अधिकतर, है ना? मतलब अगर देखे तो 4 जनरेशन तक आपके यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक है? अभी भी है ना? ओके, प्रेजेंट टाइम में 3 तो आपके पास नहीं है, एक स्टेबल के अंदर। अच्छा, एक तो ये हो गई, एक इसकी माँ है जो इसका बेटा स्टेबल में। अच्छा, इसका बेटा स्टेबल में है। ओके, तो अभी टोटल कितने एनिमल है जो आप यहाँ पे लेकर आए हो? 6 एनिमल आप लेकर आए हो सफारी के पर्पस से। ओके ओके, अभी अंदर कर देते हैं, फिर आपको विजिट। बिल्कुल, आप एक बार इसको अंदर कर दीजिए, आप मुझे विजिट करो। दोस्तों, मंडावा सफारी और द किसान स्टड फार्म के बारे में हमारे को जो मिले हैं कैटेगर, उनका नाम हम पूछेंगे, और वही अपने इस पूरे जो सेटअप किया हुआ है उसका पूरा अपने को विजिट करवाएंगे। आपका शुभ नाम मेरे को एक बार बता दीजिए। जी, मेरा नाम शुभ नाम है गोपाल सिंह शेखावत। गोपाल सिंह जी शेखावत। गोपाल सिंह जी, हम हमारे जो व्यूवर्स है उनको आपका जो सेटअप लगाया हुआ है वो उसका टूर करवाएंगे, उसमें आपको हमारी जो मदद है वो करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। दोस्तों, आप ये देख रहे हो, ये एक अलग ही लुक लगता है इस सेटअप का, और इस सेटअप को लगाने में करने में बहुत मेहनत लगती है, और ऐसी चेयर्स और ऐसी टेबल्स और इस तरीके का यहाँ पे जो सेटअप है जो पूरा किया जाता है, इस तरह के जो घोड़ों की सेडल्स है पूरी, जो आपको कैमरे में नज़र आ रही है,
इस तरीके का पूरा जो सेटअप है जो यहाँ पे लगा जाता है। और इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो इस मेले का व्यू पूरा आपको यहाँ से मिल जाता है, पूरा मेला आपको पुष्कर का यहाँ से दिख जाता है। गोपाल सिंह जी, कितना टाइम लगता है आपको ये पूरा सेटअप करने में? कैसे आप इसको व्यवस्थित करते हो, कैसे प्लान होता है आपका यहाँ पे? जी, इसमें हमको लग जाता है हफ्ता भर। एक हफ्ता लग जाता है पूरा सेटअप करने, मतलब एक हफ्ता आपको लग जाता है पूरा सेटल में? ओके, आप देख रहे हो टेंट वगैरह घोड़ों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बना लोग रहे उनके लिए। पीछे आप देखिए, आपने टेंट लगा रखे। ये इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, ये क्यों लगाई जाती है? जैसे अपने फॉरनर वगैरह गेस्ट आ रहे हैं, इंडियन आ रहे हैं, तो उनके चाय नाश्ते के लिए मान लो, चाहे रेस्ट के मान लो, ओके, अदर सामान के लिए मेहमान आते हैं उनके लिए। अच्छा, मतलब मेहमान व्यवस्था की जाती है ना? ओके दोस्तों, इस तरीके की एक व्यवस्था और एक अलग ही यूनिक ये लगती है। और यहाँ से व्यू कैसा मिलता है आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये जो अभी आपने घोड़ी देखी थी उसका ये पेडक यहाँ पे बनाया गया है। ये खूबसूरत घोड़ी बहुत कम है जो देखने को मिलती है, ऐसी घोड़ी, ऐसी जनरेशन वाली घोड़ी जो आप देख रहे हो इस रिंग में अभी है। और इसके साथ में एक ओल्ड घोड़ी है जो अभी राइडिंग और ब्रीडिंग से रिटायर्ड इसको कर दिया गया है, पर ये दोनों एक जनरेशन के कारण होने के कारण इतनी फ्रेंडली है कि दोनों साथ में है जो खाना खा रही है और दोनों साथ में ही जो रह रही है। एक ट्रैक्टर यहाँ पे यूज किया गया है शायद, जो 4x4 है और इनका जो सामान है वो लाने के लिए शायद इसको यूज किया जाता है। गाड़ियाँ फंस जाती है निकालने के लिए। अच्छा, सफारी में यूज करते हैं? सफारी में यूज होता है। बड़ा डिब्बा आ गया, गाड़ी फंस गई, ओके, सफारी वाली ठीक है, करके बाहर निकाल देते हैं। ओके ओके, उसमें भी काम आता है, लोडिंग में भी जैसे पूरा सामान इसी ट्रैक्टर से लेते हैं। ओके ओके, इस तरफ भी ये एक टेंट है जो लगाया गया है, सफारी वाली घोड़ियाँ रखी है। अच्छा, ये जो गेस्ट आते हैं उनको सफारी सुबह शाम राइड होती है? अच्छा, सुबह शाम में राइड होती है इनकी ना? वो अलग से व्यवस्था की गई। ओके, आपके मैंने देखा है गोपाल जी यहाँ मंडावा सफारी जब मैं जाता हूँ तो आपकी जो घोड़िया है वो खुले में दौड़ती है, खुले में रहती है सारी। ये हाँ, ये इनमें एक भी घोड़ी में रस्सा नहीं डाला हुआ है, इनको खुले छोड़े हुए। और ये एक पेडिग्री और एक रिश्ते के नाते एक साथ रह सकती है, क्योंकि इनमें लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं लगता कि होता होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ। चलिए गोपाल जी, इस तरफ आपने ये चेयर है सो बहुत खूबसूरत लगाई है। बिल्कुल, एक अलग ही फीलिंग इनमें आती है बैठने के बाद और कुछ अलग ही यूनिक लगती है। ये सामने जो बनाया है आपने, ये क्या है? ये किचन है। अच्छा, मतलब आप किचन यहीं पे आप अपना खाना वाना सब नाश्ता वगैरह यही सब साथ में लेके चलते हो? बाहर से कुछ नहीं। ओके, ये इस तरफ है जो शायद मेरे ख्याल से आप ही के हैं यहाँ तक किसान? एक किसान स्टेट फार्म से अपने जैसे बना के क्लोज फ्रेंड है, दोस्त है। ओके, और वो सातवीं पार्टिसिपेट के हिसाब से सातवीं घोड़ी ला रखे। ओके ओके, तो ये बच्चे मतलब ये द किसान स्टड फार्म जो बना जी के दोस्त है, क्लोज फ्रेंड, और गौरव जी उनके ये घोड़े हैं शायद। शाम का वक्त है और सनलाइट देखो किस तरीके से भाई यहाँ पे है जो शो हो रहा दिख रहा है। और ये भाई जो टेंट आप देख रहे हो ये भी कुछ अलग ही लगता है। और ये द किसान स्टड मिर्जा घोड़ा, ये ऑस्ट्रेलियन मिर्जा है जो पच कल्याण मार्किंग का है, आपको दिख रहा है। पहले अपने पास ही था मोर मुकुट। ओके, मोर मुकुट जो अपने बनाजी ने पंजाब सेल किया था। ठीक है, ये मोर मुकुट का है? हाँ, मोर मुकुट। एक तो यहाँ पे, एक अपने पास है जो इस लक्ष्मी का बेटा है। ओके ओके ओके, इस तरफ ये घोड़िया रखी हुई है, ये घोड़िया रखी हुई है, ये भी है ना? बाहर गई हुई। ओके ओके, मतलब के मंडावा सफारी और द किसान स्टड, बिल्कुल इन दोनों का यहाँ पे सेटअप है। टेंट पैकिंग टेंट वगैरह लगे हुए हैं। नहीं, ये इस तरफ है जो बैठे हैं। नाम है तो फादर का नाम है, मदर का नाम है, ध्यान नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। पासपोर्ट आपको मिल जाएगा, मेरे सारे घोड़े रजिस्टर जा रहे हैं। अच्छी बात है, ये गोपाल सिंह जी आपने यहाँ पे रात को नाइट स्टे करने के लिए ये बनाए गए हैं? अच्छा, तो ये सारी सुविधाएं, अच्छा ये सारी सुविधाएं भी आप ही करते हो, आपका पूरा सेटअप साथ में रहता है? पहले आते हैं, पहले स्टाफ आके पूरी व्यवस्था करता है। ओके, जाते हैं घोड़े गाड़ियों में डाल के लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है। ओके, एक रूम मेरे को आप खोल के दिखा दीजिए किस तरीके की आपकी व्यवस्था यहाँ पे रहती है और क्या क्या सुविधाएं आपकी है जो अवेलेबल रहती है। जैसे आप देख सकते हो अंदर से,
ये दोस्तों प्रोफेशनल तरीके से, ये एकदम प्रोफेशनल तरीके से इनका जो रूम है वो बनाया गया है। मतलब इतना अच्छा और सुंदर तरीके का रूम है। इसमें तो दो बेडरूम लगे हुए हैं, इसमें आराम से आदमी स्टे कर सकता है। और पीछे की तरफ है जो इनका अटैच लेटरिन बाथरूम दोनों है, और बहुत ही बढ़िया। अगर यहाँ पे अगर बंदा सोता है तो उसको अच्छी नींद आती है कुल मिला के। ये बिल्कुल आनंदी अलग है, बहुत अच्छा सेटअप आपने यहाँ पे किया हुआ है। आजो गोपाल जी, दोस्तों ये लुक आपको कैसा लगा? ये हमारे साथ में गोपाल सिंह जी है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने बड़ी ही बढ़िया तरीके से सेटअप किया है। धन्यवाद है इन जैसे लोगों को, और बहुत ही अच्छा और एक अच्छी सोच के साथ इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया है। आपको ये सेटअप है जो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसा आनंद और ऐसा फीलिंग लेने के लिए आप भी पुष्कर में पधारें। और मैं फिर बता दूं आपको, मुझे जो पूरे पुष्कर में एक नंबर टेंट है इनका लगा है, इनका एक सेटअप बहुत ही शानदार। और यहाँ पे जितनी शांति और सुकून है वो मुझे नहीं लगता पूरे कहीं पर भी पूरे मेले में आपको मिलेगी। चलिए शुक्रिया दोस्तों फिर से आपका, धन्यवाद धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम पधारूंगा ज़रूर। दोस्तों मुझे यहाँ पे जो ये लगाया है द किसान स्टड और मंडावा सफारी, यहाँ पे मुझे गोपाल जी मिले हैं, और जो गौरव जी यादव है हरियाणा से वो मुझे मिले हैं, और उनसे ही अपन यहाँ के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेंगे। गौरव जी नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार नमस्कार सरवण जी, कैसे हो? बहुत अच्छे जी। मतलब मुझे लगता है यहाँ बैठ के तो पूरे मेले का मज़ा लिया जा रहा है, और एक अलग ही फीलिंग है जो मुझे भी लग रही है, तो आपको तो ज़्यादा लग रही होगी मेरे ख्याल से। तो गौरव जी ये जो आइडिया है ये आपके दिमाग में कैसे आता है कि भाई एक मेला ग्राउंड से बहुत दूर जाके और ये अपना एक टेंट लगाया जाए और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं है वो की जाए, तो इसमें क्या प्लान रहता है आपका, कैसे प्लान करते हो आप ये? सरवण जी देखो सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो हम बेसिकली थोड़ा सा जो रोड पे काफी शोर शराबा होता है और फिर वहाँ पे थोड़ी अव्यवस्था भी हो जाती है, तो हम उससे थोड़ा सा दूर लग के रहना चाहते हैं, यहाँ पे ड्यून्स पे आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात व्यवस्था की, तो मेरा मानना तो ये है कि जब अपन इतने महंगे घोड़े रख रहे हैं, इतनी उनकी सेवा कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने को उनके लिए सुविधा सारी ऐसी करनी चाहिए कि हाँ मन अपना भी लगे, दूसरा आदमी आए वो भी दो मिनट बैठ के जाए और उसका भी मन लगे, बिल्कुल उसको भी सुकून मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो गौरव जी आप यहाँ पे अपने कितने अश्व लेकर आए हो और क्या प्लान है आपका अश्व लाने का? देखो सरवण जी अपने यहाँ हम 7-8 जानवर लेके आए, ठीक है, कुछ घोड़ियाँ हैं कुछ बच्चियाँ हैं, एक हमारा घोड़ा है स्टैलियन, ओके, तो ये 8 जानवर लेके आए हैं, तो कुछ दिखाने के लिए हैं और सेल के लिए भी होते हैं, तो मेले में तो हर किस्म का जानवर आता है। बिल्कुल राइट बात है। तो मतलब 7-8 एनिमल आप लेकर आए हो और यहाँ पे कुल मिला के एंजॉयमेंट के रूप में आप आते हो और अपने अश्व है जो? बिल्कुल देखो पुष्कर मेला तो ऐसा है कि यहाँ पे तो अगर आप अश्व नहीं लेके आ रहे हो तो भी मेरे को लग रहा है अब आपको आना ही चाहिए। सबसे मिलना हो जाता है, एक ऐसा मेला है, हमारे कुछ रिलेटिव ऐसे हैं जो घोड़ों से दूर ही रहते हैं लेकिन वो यहाँ पे फिर भी आते हैं, ओके, यहाँ की तो वाइब्स ही ऐसी है कि कुछ है यहाँ पे सब आना चाहते हैं। गौरव जी आपको यहाँ पुष्कर आते हुए कितना टाइम हो गया लगभग घोड़े लेकर? घोड़े लेकर हमें 3 साल हो गए, अच्छा, बाकी मैं 5 साल से आ रहा था, ओके, 2 साल में घोड़े वगैरह नहीं लेके आया था, घोड़े थे लेकिन मैं देखता था कैसे रखते हैं क्या होता है, ओके, तो अब 3 साल से कुछ समझ आई है तो अब लेके आने लगे। ओके ओके। अच्छा इन 3 सालों में आपने कोई अच्छी यहाँ से कोई अच्छे पैसों में घोड़ी खरीदी या आपने सेल आउट की या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ हो पिछले 3 सालों में? बिल्कुल देखो मैंने यहाँ से खरीदी तो नहीं, मैं बेसिकली बाहर से मैंने घोड़ियाँ ले ली थी, फिर मैंने ब्रीडिंग पे ध्यान दिया, ओके, कुछ घोड़ियाँ निकाल के अपनी और फिर उनको ब्रीडिंग पे लगाया, ठीक है, और पिछले साल हमने अच्छी सेल करी थी, ओके, एक दो जानवर हर साल सेल हो जाते हैं, ओके ओके, ठीक है, मेला अच्छा रहता है, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, बाकी क्वालिटी के हिसाब से हर क्वालिटी का जानवर मिलता है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, उसी हिसाब से सेल होती है। चलिए गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत ही अच्छा आपने सेटअप यहाँ पे किया है और आपकी अश्व है जो हमारे जो व्यूवर्स है वो देख रहे हैं, सबसे बढ़िया बात तो आपका जो सेटअप है वो थोड़ा यूनिक है और अच्छा लगता है, सबसे ऊंचा और सबसे अलग, बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद गोपाल जी आपका भी। एक बार आपके कॉन्टेक्ट नंबर है जो बता दीजिए मेरे को। 87081 50221। ठीक है, 8708150221। थैंक यू, ओके।